की जाली बिल्कुल नहीं जलेगी। ये इस तरह से आपने लहसुन को सेक लगेगा, ये देखिए इसके छिलके जो इस तरह से जल रहे हैं, तो ये सारे भी आपने नहीं जलाने। अभी हम आपको कर लिया इस तरह से, हमने इसके अंदर इसको कट करना है। ये देखे जी, अगर छुरी ज्यादा गर्म होगी तो साथ साथ इसके जो किनारे है वो फोल्ड हो जाते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी जबरदस्त टिप्स एंड हेल्प्स लेके आए हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे मसले होते हैं जो हम घर में अपने हल कर लेते हैं, अगर ना हो तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से हम, ये आपने मेरे हाथ में बैग तो देखा होगा, ज़िपलॉक बैग है, इससे हम किस तरह से एक छोटा सा पाउच बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ चीजें रखेंगे, क्योंकि हमें अक्सर बाहर जाना पड़ता है तो हम बैग में चीजें रखते हैं, तो वो सारी एक दूसरे में इस तरह मिल जाती है कि हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह हमने एक जिप लॉक बैग लिया, उसको हमने इस तरह से अंदर को फोल्ड किया, इसकी हम तीन ही पॉकेट बनाएंगे। इस तरह से आप बड़े लेके भी बड़ा जिप लॉक बैग लेके इससे आप बना सकते हैं, अपने बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के गुम हो जाते हैं और रोज का मसला होता है, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। औरतें भी अपने लिए छोटे मोटी एक उन्होंने बैग में रखने होते पाउच वो बना सकती थी। इस तरह से आपने इसकी तीन तय करनी, ये देखे जी मैंने की है आपके सामने, तो इस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आपने फोल्ड करके अपने लिए छोटा एक पाउच बना लेना है, जिसकी तीन तय आप इसमें मुख्तलिफ चीजें रख सकते हैं। ये देखिए, एक ये है, एक ये, इसको हम कट करेंगे तो ये हमारी तीसरी पॉकेट बन जाएगी। इस तरह से हमने इसको, ये वाली साइड पे हमने इसको थोड़ी सी छुरी को गर्म करना, और इसको हम दिखाते हैं आपको किस तरह छुरी को थोड़ा सा गर्म कर लेना, और ये साइड पे आपने इस तरह से, ये देखे एकदम से ये सारा चिपक रहा है, और यहाँ से ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और बहुत अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। ये देखे इस तरह से ये बिल्कुल जुड़ गया है आपके सामने, ये देखे बैक बंद हो गया। यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो ये आपकी तीन पॉकेट बन जाएगी। इसी तरह से आपने सफर पे जाना, अपनी लिपस्टिक वगैरह सेंट वगैरह छोटे छोटे हमारे होते हैं, तो इस तरह से हम इन चीजों को इसमें डालकर अपने बैग में रखेंगे, तो इस तरह से हमारी चीजें भी हमें वक्त पे मिल जाएंगी, और हम बहुत अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर। नेक्स्ट टिप भी हमारी बड़ी जबरदस्त होने वाली है, हमने सफर पे जाना होता है, इस तरह से हमारी मेडिसिन वगैरह होती है, और ये हमारे जैम वगैरह कुछ अचार वगैरह हमने रखे होते हैं, तो किस तरह से हम इसको लेकर जा सकते हैं, तो हम किसी भी चीज बैग में रखे तो ये इस तरह से गिर जाता, हमारे बैग भी खराब हो जाते और हमारी जो मेडिसिन वो भी वेस्ट हो जाती। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी पॉलीथिन बैग ले लेना, क्योंकि हर घर में ये होते हैं, अगर कोई थैली कपड़े की नहीं है तो इस तरह से आपने इसको ले लेना, और ये देखिए इस तरह से लेने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना, फोल्ड कर लिया। ये वाली चीज जो आपने इसमें, ये देखें, ये दोनों मेडिसिन आपने इस एक साइड पे रख देनी है, और ये वाली जो चीज़ें आपने इधर रख देनी है। ये बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनाइजर और अलग अलग पार्ट बन के तैयार हो जाएगा, और ना ही बार बार आपको मुफ्त अलग अलग से लेनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से आप इसको रख सकती है, और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजर बन गया, और इसी तरह से आप इसकी गिरा लगाकर इसको और भी मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर। हमारी इस तरह से लहसुन को लेके, थूम को लेके, जैसे कि हम इसको बनाते हैं, ग्राइंड करके रखते हैं, तो हमें किसी वक्त अलहदा से हमें बिल्कुल लहसुन की जरूरत होती है, तो हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो इस तरह से आपने कोई कंटेनर लेना है। हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं इस तरह के कंटेनर, क्योंकि बाहर से हम खाना वगैरह मंगाते हैं तो इस तरह के कंटेनर हमारे घर में होते हैं, तो आपने इसको इस तरह से सारे लहसुन को इसमें डाल देना, और इसकी ये ढक्कन जो होता है वो बहुत एयर टाइट होता है, इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो इससे आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो नेक्स्ट टिप भी हमारी इस तरह से लहसुन अदरक को लेके छीला हुआ, और इसको हमने किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो इसको हमने ग्राइंड करना है आपके सामने, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप ग्राइंड करके सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही नहायत आसान तरीका, बड़ी ईद आने वाली है, ईद कुर्बान आने वाली है, तो इस तरह के हमने मुफ्त खाने पकाने होते हैं, तो ये हमारा अदरक लहसुन का बार बार छीलना इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसको किस तरह से इस तरह पहले या इससे पहले हम इसको बनाकर सेव कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या, इसको आपने इस तरह जग में डाल लेना है। तो ये देखें जी, इसको आपने डालने के बाद इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने का मकसद ये है कि आपका जो लहसुन अदरक है ना, ये इसको आपको ग्राइंड करके रखेंगे तो ये बिल्कुल काला नहीं होगा, ना ही इसका रंग चेंज होगा। इस तरह से आपने इसको कर लेना। अभी हम आपको इस तरह ग्राइंड करने से ना तो इसका कलर खराब होगा, ब्लैक होगा, कि जायके में फर्क है। इतने अच्छे तरीके से हमारा लहसुन अदरक जो है ग्राइंड हो गया, इसका कलर भी बिल्कुल इतना प्यारा है। तो इस तरह से आपने कोई भी कंटेनर ले लेना, उसमें आपने इसको इस तरह से डाल लेना। ये देखे, जैसे चाहे आप इसको रखे, फ्रीजर में रखे, फ्रिज में रखे, ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखे
बिल्कुल एक तरह से सारा एकदम बारीक हो गया। तो आप इसको इसी तरह से बंद करें और फ्रीजर में रखें, चाहे फ्रिज में रखें, तो इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। तो इसका से बिल्कुल ना तो आपके कोई जाके में इसके फर्क आएगा, ना ही इसका कलर खराब होगा। जितनी चाहे आप अपनी हड्डियाँ वगैरह खाने वगैरह ईद पे बनाएं, तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे घर में कंटेनर आते रहते हैं, क्योंकि हम बाहर से खाना मंगाते हैं, तो इस तरह से कोई बड़े छोटे आते रहते हैं, तो इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आए हम आपको दिखाते हैं। इससे एक बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाकर हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी फोक ले लेना, उसको आपने गर्म करना इस तरह से, फोक लेना, फोक को आपने गर्म करना इस तरह से, कुछ आपने इसमें सुराख कर लेना। ये देखें जी, इस तरह से बड़ा जबरदस्त है हमारा ऑर्गेनाइजर बन। आपने इसके अंदर सारे में सुराख कर लेना, ये देखें जी, ताकि इसमें से पानी ना ठहरे और ये जो भी इसमें पानी आए वो नीचे निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसका करना कुछ इस्तेमाल, ये वाला बड़े वाला जो कंटेनर था वो हमने नीचे किया, ये छोटे वाला जो उसके ऊपर हमने इस तरह से फिट कर देना। और ये देखें, हम आपके सामने रखते हैं इसमें कुछ चीज, हम अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। हमारे बर्तन धोने वाले कुछ होती चीज़ें इस तरह से स्पंज वगैरह, कुची वगैरह, साबुन वगैरह हम इस तरह से इसमें रखेंगे। अगर हम इसमें पानी डालेंगे, अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, कि वो सारा एकदम से नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। इस तरह से हमारे साबुन जो जाया होता है वो भी नहीं होगा। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, अभी आपको नजर आएगा कि वो कंटेनर लेगा और उसे ऑर्गेनाइजर बनाए, जिससे आपका साबुन और आपकी ये कूची और आपका स्पंज जो है बिल्कुल इस तरह एकदम से साफ और सुथरा रहेगा और खुशक भी होगा और ना ही आपका साबुन जाया होगा। तो इस तरह से ये देखें, नीचे सारा पानी आ गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों की ये शिकायत होता है कि हमारा साबुन बहुत सख्त हो गया या तो हमारा बहुत घुल गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको बहुत ये टिप्स बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो लाइक भी आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे घर में बोतलें आती रहती हैं, हम जाया करते रहते हैं, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं इस तरह की बोतलें अपने संभाल के रखने की, क्योंकि ये बहुत अच्छे हमारे काम आती है। इससे बहुत ज्यादा हम ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपने सबसे पहले करना क्या, छुरी को गर्म करना। छुरी गर्म करने के बाद आपने इस तरह से बोतल को कट करना है। अभी मैं आपके सामने कट कर आपको दिखाती हूँ, ये देखे जी, इस तरह से आपने इसको कट करना है। से हमने छुरी को गर्म किया और ये अपनी बोतल को कट किया। अभी हम आपको बोतल कट करके दिखाते हैं किस तरह से हम इसके ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम अक्सर परेशान होते हैं कि हम अपनी चीजें किस तरह से ऑर्गेनाइजर करें, इनको संभालें। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक, कहा ताकि आपको पता चले हम क्या बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोतल को कट कर ली, मार्कर से हमने इस तरह से कुछ निशानात लगाने के, देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से कट करेंगे, ये यहाँ से अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए जी, इसी तरह से हमने इसकी दूसरी वाली साइड पे इस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ऊपर को किया, ये तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त स्टैंड बनकर तैयार होगा। अगर इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होती है कि हम इन चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करें। ये देखिए, अभी हम आपको कट करके दिखाते हैं किस तरह से हमने कट करना कर लिया। इस तरह से हमने इसके अंदर इसको कट करना है। ये देखिए जी, अगर छुरी ज्यादा गर्म होगी तो साथ साथ इसके जो किनारे हैं वो फोल्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मोटे हो जाते हैं और हमारे हाथ में भी नहीं लगेंगे, तो बहुत जबरदस्त ये बन जाता है। इसी तरह से हमने इसको दूसरी साइड पे भी कट करते हैं। ये देखिए जहाँ से हमने निशान लगाया था, ये देखे जी, तो ये देखे जी, ऊपर से मैंने कट कर लिया। अब हमने नीचे से इसको इस तरह से हमने कट करना, थोड़ा सा हमने इसमें कटा सा बनाना है। ये देखे, इसको फिर हमने इस तरह से गोल कटाई कर लेनी इसकी। ये देखे जी, क्योंकि ये देखने की बात है, इसको सुनने से ज़्यादा आप इसको गौर से देखें। ये देखें, इस तरह से हमने इसको किया। अब हमने जो निशानात इस तरह से लगाए थे, ये देखें, इसके ऊपर हमने इसको कट किया। अब हम इसका यहाँ से भी एक कटा बना लेंगे। ये तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजर स्टैंड बनकर तैयार हो गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। अभी हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे किस तरह से हमने इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल का स्टैंड अपने घर में बगैर किसी का लागत के बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो कास्ट में। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। जिस तरह चाहे आप अपने मोबाइल को रखें और अपने काम करें, इस तरह से आप किचन की शेल्फ पे रखें और अपने काम करें और साथ साथ मोबाइल भी देखें, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर। जिस तरह से चाहे इसके में अपना मोबाइल को रखें और काम करें। हमारी लहसुन को लेके किस तरह से हम डेढ़ों लहसुन है जो एक मिनटों में छील सकते हैं, तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसको छीलेंगे। तो सबसे पहले लोग इस तरह से करते हैं, कुछ गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में कुछ लहसुन की ही इस तरह से कलियां अलग-अलग करते हैं, इसको इस तरह भिगो देते हैं। तो ये कहते हैं कि आसान तरीका, लेकिन ये भी आसान तरीका नहीं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक मिनटों में किस तरह से स्ट्रेनर की मदद से डेढ़ों लहसुन छील सकते हैं, वो भी एक मिनट में। तो इस तरह से आपने अपने लहसुन को रखना है। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और इसको एक मिनट में छीलना। ये देखिए, बिल्कुल आपने इसको
गवर्नमेंट इसी तरह से आपने हिलाना है, आपकी जाली बिल्कुल नहीं जलेगी। ये इस तरह से आपने लहसुन को सेक लगेगा, ये देखिए इसके छिलके जो इस तरह से जल रहे हैं। तो ये सारे भी आपने नहीं जलाने, अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप तो बहुत आसानी से डेढ़ लहसुन आप 10 किलो लहसुन भी एक मिनट में छील सकते हैं। तो ये देखें, हमारे साथ रहिएगा एंड तक, जरूर देखिएगा किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, बिल्कुल ज्यादा नहीं सारा आपने जलाना, इस तरह से आपने इसका करना। तो आए हम आपको छील कर दिखाते हैं। देखिए जी, इस तरह से आपने इसको गर्म कर लेना है, इस तरह से इसको प्लेट में निकाल लेना, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना क्योंकि बहुत ज्यादा ये गर्म है। तो इस तरह से अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको डेढ़ों लहसुन एक मिनट में छिल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो लहसुन है हमारा सारा छिल जाएगा मिनटों में, वह बहुत गर्म है अभी। आप अगर आपका इस तरह से भी नहीं आपने छीलना तो थोड़ा सा आपने इसको ठंडा होने देना, फिर आपने इस तरह से अपने हाथों में पकड़ना इसको, अपने इस तरह से हाथों की मदद से मसलना। ये देखें, तो ये देखें बहुत ही इजी है, बहुत आसानी तरीके आसान तरीके से आपका लहसुन है जो एक मिनट में छील जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ईद के दिनों में आपको ये बहुत फायदा देगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। डेढ़ों लहसुन छील सकते हैं, तो ये आप समझेंगे कि ये लहसुन इसमें जल गया है, तो ये जला नहीं, ये रोस्ट हो गया, बल्कि इसके जाके में कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि इससे का जायका जो है दुबला हो गया, पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगा इसका। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। इसी तरह आप अपने वक्त को और अपने टाइम को बचाएं, इसी तरह आप अपने लहसुन को छीलें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।